इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अहल्या माँ कहती हैं, मुनि शाप जो देना अति भल की ना, भल नहीं अति भल। क्यों? मेरे से जो अपराध बना वो चुक गया, समाप्त भया। अब आप ऐसी कृपा करिए, जहां जन्म मेरा मन आपके श्री चरण कमलों के पराग का रस पान करे। मन कहां जाए? राम चरण कमल के पराग का रस पान करे। जानते हैं राम रस सबको नहीं लगता, और जिसको लगता उसको और कोई रस नहीं लगता। ये हमारा अभिषेक जो आगे बैठा है, मैं दिल्ली आ रहा था, इसके पहले इसका टेलीफोन, महाराज जी मैं सेवा करूँगा, नौ दिन मुझे फ्रेंड्स कॉलोनी से ले आना ले जाना। कल मैंने कहा बेटा तुम बुरे फंस गए। नहीं महाराज जी, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, संयोग से इसकी परीक्षा भी हो गई बीटेक की, मुक्त है, परंतु आना ये इसका पुण्य है कि बच्चा सेवा में लगा है। ये तो किसी को बोल दो कि गाड़ी लेके आओ, क्या बताएं महाराज, जीजा आ गए, जीजा आफत आए रहते, जीजा ही आ गए महाराज, क्या बताऊं, निकल नहीं पाए। हाँ, कितनी मुश्किलें जीव गिनाता है साहब। बहुत अति हरि कृपा जाई पर हो, पावे हे मारग सो। कृपा नहीं अति कृपा। माँ कहती है अति भल भया, अब आप कृपा करिए, मेरा मन जगत में नहीं, विषय में नहीं, विकारों में नहीं, आपके चरण कमल में, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधो। पूज्यपाद गोस्वामी जी का पहला निर्णय। देखिए जीव को कुछ करने के लिए कुछ चाहिए, जीव एहसान भी तब करता है जब उसको कोई लाभ हो या दिखे, नहीं तो नहीं करता। भगवान हमारे पर कृपा करें, भगवान को कोई लाभ नहीं दिखता। भगवान जीव कैसा भी हो उस पर कृपा करते, इसलिए बाबा ने कहा अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़े। कस प्रभु अस प्रभु, अस भगवान को कृपा करने के लिए करुणा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। जीव अकारण नहीं करता। करेगा अकारण, लोग टेलीफोन भी नहीं करते साहब। पिछले 8 वर्षों से चर्चा चल रही थी, करोल बाग में कथा होनी, कुमार साहब हर साल जून के महीने में आग्रह करते थे महाराज, समय आएगा तो होगी। और ये कथा में हमारे आचार्य शुक्ल जी, आचार्य श्री राम गोपाल जी शुक्ल, दिसंबर से लेकर के और आज तक
कठोर मेहनत, फिर हमारी समिति के नौजवान भाई लोग, हमारे आदरणीय बाबूजी शास्त्री जी, मैं हर वर्ष सुनता था दिसंबर में कथा होगी, दिसंबर मेरा खाली नहीं रहता है, 2015 तक सब व्यस्त है मामला, कैसे होगी दिसंबर में, मुंबई में रहते, दिसंबर में दिल्ली में इतनी जाड़ा, इतना जाड़ा, अरे राम कान बांध के तो आओ जाओ, कैसे होगी कथा, बहुत दुदला रहता है। कथा का समय तो अक्टूबर नवंबर अथवा मार्च अप्रैल, और उसके अलावा तो मुश्किल है, दिल्ली में बहुत मुश्किल है, ये समय भी कितना, गाड़ी बता रही है 46 डिग्री तापमान, कितनी गर्मी है। एक कठोर साधना, कठोर तप, तप का फल, ये कथा भी अकारण कथा है, कोई कारण, केवल कथा के लिए कथा है, क्या कारण है? आप सुन रहे हैं, भैया लोगों ने व्यवस्था बनाई, हम सुना रहे हैं, अकारण कथा, मकारण करुणा है, इसलिए परमात्मा का स्वभाव है भगवान अकारण भगत अकारण, अरे तुम तुम्हार सेवक सुरारी, भगवान और भगवान के भक्त दो अकारण कृपा करते हैं, इसलिए भगत जी हमारे आदरणीय अब तो वैकुंठ में पधार गए। गायत्री ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, सुनिए, भगवान जगत के दाता करुणा निदान, जगत के दाता Thank you.
अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कारण रहित। भगवान का भजन क्यों करें? क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो अकारण करुणा करते, और कोई नहीं। अकारण दया करने वाले परमात्मा हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ कपट गृह कारज नाना जंजाला है। ये तो लगा ही रहेगा, काम से कभी फुर्सत नहीं, व्यवहार कभी कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया के काम कभी कम न होंगे। आप ये सोचें कि अब ये काम हो गया, फुर्सत हो गई, भया है क्या? चलता ही रहेगा। यही रामचरित्र कहता है, ये तो जहां है लगा ही रहेगा, आना किसी का जाना। काम कम नहीं होते। माता लोग सुबह से उठती हैं और रात्रि न हो तो काम करती ही रहें। छः छः सेवक हैं फिर भी काम कम नहीं पड़ता, बढ़ता ही जाता। न करने वाले के लिए कोई काम नहीं है। प्रभु क्या आवश्यकता आने की हो, क्या जरूरत आए, काम है काम। भगवान को कितना काम, धनुष यज्ञ देखने पैदले पैदल चल गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।